नमस्कार भाइयों, शिशादा मशरूम फार्म में आप सबका स्वागत है। भाइयों भाइयों, जैसे कि आप आज हम अपनी फार्म की विजिट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि 11 दिन बाद माइसीरियम कैसे बैग पे हमारा रन हुआ है। वैसे तो ये वीडियो थोड़ा दिन लेट है, बट ये जो मैंने रिकॉर्डिंग करी थी ये 11वें दिन की है। आप ये देख सकते हैं कि माइसीरियम जो है, देखिए बैग पे कैसे रन हो रहा है और क्या स्टेटस है। भाइयों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और दोस्तों, ये देखिए कि 10 से 11 दिन हो गए हैं, देखिए 11 दिन हुए हैं। और ये देखिए माइसीलियम जो है कितना अच्छा, ये जो बैग है मेरा, इसके ऊपर कितना अच्छा रन हुआ है। ये ऑलमोस्ट देखिए ऐसा लग रहा है इसे केसिंग के लिए रेडी है। मैं आपको और भी सारा और बैग दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं आपको अपने फार्म का पूरा माइसीलियम रन दिखाऊँगा कि किस किस जगह पर और किस किस बैग में कैसा कैसा रो में कैसा कैसा माइसीलियम रन हो रहा है। ये देखिए इस बैग को देखिए। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप अपने फार्म पे सवेरे शाम, ये देखिए कितना अच्छा हो रखा है, सवेरे शाम हर बैग को देखिए, हर जगह से कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर जगह को आप कवर कर सकें और देख सकें। ये देखिए कितना अच्छा ये रन हो रहा है। तो दोस्तों, उससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपके फार्म पर क्या हो रहा है, कोई डिसीज़, कोई फ्लाइज, कोई मोल्ड्स तो नहीं आए आपके फार्म के अंदर, तो आपको ऐसे पता चलेगा। क्योंकि देखिए ये देखिए कितना अच्छा ये रन हुआ है माइसीलियम। क्योंकि दोस्तों, इसमें आपको पता चलने के लिए ये है कि अगर आप हर अपने फार्म पे रोज़ सवेरे शाम विज़िट करेंगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके कोई बैग पे या बेड पे कोई मोल्ड्स तो नहीं आए हैं, ठीक है, कोई नए फ्लाई या वो तो फंगस तो नहीं आई हैं, ठीक है, माइसीलियम सही से आपके बैग पे या बेड पे रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज़्यादा मॉइस्चर तो नहीं है। और मैं दोस्तों ये भी कहूँगा कि आप लोग अपने बैग का टेम्परेचर भी लेते रहें, क्योंकि देखिए ये हाईटेक फार्म के लिए मैं बताऊंगा। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारे रूम का टेम्परेचर हम लोगों को पता है कि स्पॉनिंग करने के बाद, जैसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री हमारा बैग का होना चाहिए और रूम का टेम्परेचर हम अपना 22 से 25 डिग्री का रखते हैं। बट दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि जब हम स्पॉनिंग करते हैं, क्योंकि बाहर का जो वातावरण जो टेम्परेचर है वो अभी 35 प्लस है, ठीक है, और उस केस में जब हम स्पॉनिंग करते हैं तो टेम्परेचर 40 के 60 डिग्री से ऊपर होता है हो जाता है। तो आप बीच बीच में ज़रूर अपने जब अपने रूम रख दें, रूम में जब अपना ये स्पॉनिंग करके बैग रख दें, तो उस पर ज़रूर ध्यान दें कि आपका जो बैग का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री से नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा 27 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। वैसे तो लोग कहते हैं कि 25 डिग्री से ही ऊपर नहीं होना चाहिए, 25 डिग्री से नीचे रहना चाहिए, बट अगर ज़्यादा भी होता है तो 27-28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बैग का टेम्परेचर स्पॉनिंग के बाद। क्योंकि अगर इतना टेम्परेचर रहेगा स्पॉनिंग के बाद तो दोस्तों आपका स्पॉन रन बैग में होगा नहीं, और जो आपका स्पॉन है उसमें ग्रीन कलर का मोल्ड आ जाता है और पूरा वो स्पॉन ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो माइसीलियम रन नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं और बाद में यही माइट्स और लार्वा का रूप भी ले लेती हैं। तो कोशिश करिए कि टेम्परेचर जब आपका कूल डाउन हो जाए उसके बाद ही स्पॉनिंग करें, और समय समय पे अपने बैग और बेड का टेम्परेचर लेते रहें, सॉइल टेम्परेचर से ले देखते रहें। अगर आपके बैग का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो अपनी यूनिट का टेम्परेचर थोड़ा सा और डिक्रीज़ कर दें, कम कर दें, जिससे कि बैग का टेम्परेचर मैनेज हो जाए। ये देखिए, ये मेरे बेड हैं, मैं आपको बेड का भी दिखा देता हूँ कि बेड का मेरे क्या स्टेटस है माइसीलियम का। ये देखिए, देखिए कैसे आपका ये देखिए कि हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए मेरा जो मेरे नीचे के बेड हैं, मैंने ये 8 रो में मेरे बेड हैं और ऊपर 6 रो में मेरे बैग रखे हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अभी हमने इस पर वाटरिंग करी है, वाटरिंग करने के बाद मैं कुछ दिखाता हूँ कि वाटरिंग करने के बाद पेपर गीला हो गया है। ये देखिए, बट मैं कोशिश करता हूँ, ये देखिए ये साइड का देखिए कितना अच्छा माइसीलियम रन हो रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।